राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की योजनाओं की बात की गई, लेकिन आज जो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 200 से भारतीय, मैं भारतीय कहूंगा, 200 से भारतीय शहीद हुए, उनके प्रति कोई संवेदना इस अभिभाषण में नहीं दिखाई दी, यह आश्चर्यजनक है। गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई। हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष में, सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू, हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश रची गई वो निंदनीय है। सर, गणतंत्र दिवस में जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई। हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही करना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जिस तरह से साजिश रची गई वो निंदनीय है। पहले बताया गया ये तो सिर्फ पंजाब के किसान है, फिर बोला गया कि ये तो आड़ती है, फिर बोला गया ये खालिस्तानी है, और फिर तथाकथित आईटी सेल ने और मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने उन्हें देशद्रोही करार दे दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि सर, जो बाप अपने 18 साल के नौजवान बेटे को बोलता है उठ तुझे फौज में भर्ती होना है, तूने बेल्ट की नौकरी करनी है, जो माँ अपने बेटे को बॉर्डर भेजते हुए बोलती है कि अगर दुश्मन ने देश पे गोली चलाई तो तूने अपना सीना आगे कर देना है, तो वो देशद्रोही कैसे दिए जाते हैं? सर, आज बेटा सियाचिन में -डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा कर रहा है, और उसका 70 साल का बूढ़ा बाप दिल्ली की सरहदों पर अपने हक के लिए कड़ाके की सर्दी में आंदोलन कर रहा है, तो किस मुंह से बोलेंगे जय जवान जय किसान।